दोस्तों, आजकल जो भी नए मकान बन रहे हैं, आपने एक चीज़ जरूर नोटिस की होगी कि जो नए मकान में जो मेन गेट है दोस्तों, वो स्टील का एसेस का जो है आजकल लोग लगवाते हैं। तो आज की जो वीडियो है स्टील के गेट के ऊपर ही होने वाली है कि अगर आप भी जो है नया मकान बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि जो मेन गेट है आपको वो एसएस का बनवाना है, तो एसएस का जो गेट है दोस्तों वो कितने रुपए केजी के हिसाब से बनता है। और आपके साथ में आज इस वीडियो में काफ़ी सारे डिजाइन भी आपके साथ शेयर करूँ। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि जो स्टेनलेस स्टील होता है, एसएस जो होता है, आप असली और नकली जो है स्टील की कैसे पहचान कर सकते हैं, कैसे पहचानोगे कि भी जो आपने स्टील जो लिया है वो अच्छी क्वालिटी का है या घटिया क्वालिटी का है। क्योंकि दोस्तों, मकान का जो मेन गेट होता है वो अच्छी क्वालिटी का और क्या है मजबूत होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, और अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो स्टेनलेस स्टील होता है, जो एसएस जो होता है दोस्तों, वो उसको जो है दो क्वालिटी में जो है अपन को क्या है मार्केट में देखने को मिलता है। ठीक है, जो हमारा एसएस की रेलिंग हो या फिर जो हमारा एसएस का जो मेन गेट बनाते हैं उसके जो पाइप्स वगैरह होते हैं, वो दो ग्रेड में आता है। एक होता है दोस्तों 202 ग्रेड और एक होता है दोस्तों आपका 304 ग्रेड। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो 202 ग्रेड होता है वो हल्की क्वालिटी का होता है और उस पर क्या जंग भी लग जाता है। अगर मान लो कि 202 क्वालिटी का जो है आपने जो है बाहर का मतलब कि जो है मेन गेट वगैरह में यूज करा लिया, तो कुछ टाइम के बाद क्या आप देखोगे दोस्तों उस पर क्या है रस्ट लग जाएगा, मतलब कि उस पर जंग लग जाएगा। ठीक है, और 304 जो क्वालिटी का जो ग्रेड का जो आपका स्टील होता है वो रस्ट फ्री होता है, उस पर क्या जंग नहीं लगता है और वो ड्यूरेबल भी होता है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें दोस्तों कि अगर इन दोनों की रेट के बारे में बात करें, तो दोस्तों अगर आप जो है 202 ग्रेड में जो है अपना गेट बनवाते हैं या फिर आप रेलिंग वगैरह बनवाते हैं, ठीक है, तो उसमें 200 जो जो दो ग्रेड का जो 200 जो रेट रहेगा आपका, वो रहेगा दोस्तों आपका 250 रुपये केजी के हिसाब से। ठीक है, वो केजी वेट के हिसाब से जो है जितना भी वेट आपका रेलिंग का हो या फिर जो गेट में जितना भी एसएस लगेगा, ठीक है, तो वो है आपका रहेगा 250 रुपये केजी के हिसाब से। और वही अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आप 304 ग्रेड का जो है स्टील लगवाते हैं, तो क्या है कि भाई उसका जो रेट रहेगा वो रहेगा आपका 350 रुपये केजी के हिसाब से। ठीक है, और जितने भी केजी का आपका रेट रहेगा दोस्तों, केजी रहेगा जितने भी केजी आपका गेट रहेगा, और उसके हिसाब से आप 350 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका टोटल वो आ जाएगा। ठीक है, और हम बात करें दोस्तों कि हम असली और नकली की पहचान कैसे करें। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों, आप क्या है कि मकान का जो मेन गेट है वो मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आप अच्छी क्वालिटी का एसएस का पाइप ही खरीदें। आप जिंदल ही आप यूज़ कर सकते हैं, जिंदल का जो पाइप है वो काफ़ी अच्छा आता है। उसके ऊपर क्या उसकी स्टैम्प वगैरह भी होती है, जो डिस्प्ले ऊपर लिखा भी होता है 304 ग्रेड। ठीक है, एक चीज़ आप ये भी चेक कर सकते हैं। और दोस्तों जो है एसएस को चेक करने का कि भी आपका जो ग्रेड है 202 ग्रेड है या 304 ग्रेड है, उसका एक केमिकल भी आता है, या फिर जब भी आप शॉप पे जाते हैं एसएस का जो जैसे आपको चेक करना है, तो एसएस का दोस्तों क्या है कि भी आप शॉपकीपर से दुकानदार से आप बोल सकते हैं कि भी आप एक बार जो है चेक करा दीजिए, तो उनके पास वो केमिकल होता है। तो वो केमिकल बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि अगर आप 202 ग्रेड का आपका जो स्टील है तो उसके ऊपर आप वो जो है ड्रॉप डालेगा उसकी केमिकल की, तो वो क्या होगा कि उसका जो कलर है वो आपका स्टील से हटके वो ब्राउन ब्राउन पिंक पिंक टाइप का हो जाएगा। और अगर आपका 304 ग्रेड का अगर जो है स्टील होगा तो वो क्या है कलर नहीं छोड़ेगा। तो ये बेसिकली उसकी पहचान होती है। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ चेक करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो आपका स्टील का जो गेट होता है उसकी जो कॉस्ट आती है वो काफ़ी कॉस्टली आपको पड़ता है। तो मान लीजिए आप इतना पैसा लगाते भी हैं, इतनी मेहनत का पैसा आप लगाते भी हैं, और आपके साथ कोई ठगी कर ले कि आपको 304 ग्रेड की जगह पे आपको 202 ग्रेड दे दे, तो दोस्तों वो सही नहीं है। तो ये थोड़ी बहुत तो मतलब कि आपको ये चीज़ का आप नॉलेज होनी चाहिए कि भाई उसको हम कैसे परख सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो रेट 202 ग्रेड का अभी चल रहा है वो आपका 250 रुपये केजी के हिसाब से चल रहा है, और आपका जो है अगर आप 304 ग्रेड आपका का जो स्टील अगर यूज़ कराते हैं तो उसका जो रेट रहेगा 350 रहेगा। बाकी उसके अंदर जो एडिशनल जैसे आप देख रहे हैं वुडन वर्क हुआ है या ग्लास लगाते हैं उसका जो है चार्जेज अलग होते हैं। बाकी क्या है मेन जो खर्चा होता है वो एसएस का ही होता है। ठीक है,
तो बाकी थोड़ा बहुत एडिशनल हो जाता है, ग्लास है या कुछ वुडन वगैरह जिसमें ज़्यादा वर्क है, तो फिर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा उसका जो है खर्चा आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप जो कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई कितना खर्चा आपको, आपका जितने केजी का आपका जो है गेट रहेगा, दरवाज़ा रहेगा, उसके हिसाब से उसकी कॉस्टिंग जो है, ज़्यादा केजी का होगा तो ज़्यादा कॉस्टिंग बढ़ती चली जाएगी। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।